बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपका दावा, सूरत ईस्ट से हमारा कैंडिडेट गायब हुआ है, उम्मीदवार लापता होने पर मनीष सिसोदिया ने धरना दिया है, कल से गायब है कंचन जिरवाल। ये आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी नामांकन वापस लेने का उन पर लगातार दबाव बना रही थी, यानी कि सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। कहा कि सूरत ईस्ट से हमारा कैंडिडेट गायब हो गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पर ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।